रमेश भाई नहीं रहे, यानी चेयरमैन, दुआ कर लें। जूनियर पीएसएल करा के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था उनका, जिसमें बहुत बड़े बड़े मेंटोर बने और उनको बड़े पैसे बांटे गए। रेहान दिया है उन्होंने इंग्लैंड को, रेहान। अच्छा, रेहान उन्होंने दिया। अच्छा, मैं समझ रहा था इंग्लैंड वाले लाए। अच्छा, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा। जो आउट कर देगा वो हमारा, जो आउट कर देगा वो हमारा। मैंने रेहान दिया। अच्छा, नजम सेठी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, आना जाना तो चलता है। ये तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम रमेश भाई के जाने से खुश हैं या उनके आने से खुश हैं, लेकिन फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, और कोई कुछ भी कह ले, कोई उन पर जितना भी शबोखून मान ले, पाकिस्तान सुपर लीग हो नहीं पा रही थी। कोई कहीं टोपी पहनाता था, कोई कहीं टोपी पहनाता था, हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो करवाई नजम सेठी साहब ने इवेंचुअली, तो ये चीज़ उनके क्रेडिट पर है, कोई कुछ भी कहे। और हमने तो खैर कल ही मुबारकबाद दे दी थी, और मुबारकबाद तो उन्हें बहुत पहले ही दे दी थी पर्सनली, लेकिन यह है कि हमने कल आप लोगों को बता दिया था कि यह नोटिफिकेशन हो जाएगा, परसों बताया था कि पहले पाकिस्तान वाइट वॉश हो जाए, तो वाइट वॉश के बाद उम्मीद थी कि कल शाम तक होगा, लेकिन अब वो आज फैसला हुआ था, साइन हुए हुए थे। और आपको पता, अच्छा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शकील शेख साहब आ जाएंगे, ठीक है। तो चीफ सेलेक्टर बाबर आजम और ये जो नेक्सस बना हुआ था, इन्होंने सर जोड़ लिए। क्या जोड़ लिए? सर जोड़ लिए, और एक दूसरे की जुएं भी ट्रांसफर हो गई इनमें, क्योंकि एंटी लाइस शैम्पू का इस्तेमाल तो इन्होंने कभी किया नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जुएं लोगों के, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ अंदर की बात, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अब हुआ क्या कि एंटी लाइस तो है नहीं, इन्होंने तो सारा कोकोनट शैम्पू और वो कौन सा होता है, एग शैम्पू, वो इस्तेमाल किया। वसीम जूनियर को देख सकते हैं। हुआ यूं कि ये फैसला मौखर हो रहा था कुछ अंदरूनी मामलात की वजह से, क्योंकि रमेश भाई की भी सिफारिश तगड़ी थी भाई, बहुत तगड़ी थी, बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ, बहुत ऊपर की सिफारिश थी, खुद तगड़े नहीं थे। हाँ, लेकिन रमेश भाई के जितने बाल तगड़े थे उतने वो खुद तगड़े नहीं निकले यार, लेकिन छेड़ी दिया है, तो बहुत मैंने दुआ कर ली है जब वो आए थे, जब भी मैंने दुआ करी थी, या अल्लाह रहम करे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि रमेश भाई इतने सख्त फैसले लेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। अच्छा, आने के बाद उन्होंने जो फैसले लिए उसके अंदर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खिलाया उन्होंने, आपको देखें 2021 का, किसने खिलाया? रमेश भाई ने खिलाया, रमेश भाई ने खिलाया सेमीफाइनल, रमेश भाई। उसके बाद रमेश भाई ने एशिया कप का फाइनल खिलाया आपको, बाबर ने क्या खिलाया, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप 2022 का दुआओं से फाइनल भी खिलवा दिया, उन्होंने दुआएं करवाई उन्होंने खुसूसी। अच्छा, बीच में रमेश भाई को बाबर ने धोखा दिया हमेशा। अच्छा, क्यों? 2021 का सेमीफाइनल हरवाया बाबर ने, ठीक है, एशिया कप का फाइनल हरवाया बाबर ने, और फिर वर्ल्ड कप का फाइनल भी बाबर ने हरवाया। रमेश राजा से उससे बातों से जो है पूरा करने के लिए लोगों को आए हुए थे, और बातें 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 बातें, बस सिर्फ बातें, कोई काम काज नहीं, सिर्फ बातें ही बातें। अब उनकी जो छुट्टी होने जा रही है और उनकी जगह नए चेयरमैन आ रहे हैं, नजम सेठी एज अ चेयरमैन पीसीबी को संभालेंगे। डॉक्टर साहब देखो, बिल्कुल ये तो होना ही था, और आपको कल से ही बता रहे हैं कि कहानी ऐसे ही है, और रमेश राजा साहब ने जाने ही, अब कब जाना था, वो आज फैसला हो गया, जाना तो उन्होंने था ही, एक नहीं तो दो दिन बाद, नहीं तो तीन दिन के बाद, और फाइनली रमेश राजा जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक अच्छा चूर्ण अपना बेचा हुआ था, आवाम को लगाया हुआ था ट्रक की बत्ती के पीछे, और वो लगातार बोल रहे थे कि जी इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया आएंगे, कभी इंडिया की बुराई, कभी इंडिया इंडिया करके उन्होंने अपना एक नैरेटिव बना लिया था, और बड़ा अच्छा नैरेटिव बना लिया था, हाँ, एक बड़ा अच्छा किया था। तो अली साहब, हुआ अब यह कि नजम सेठी साहब आ रहे हैं, रमेश राजा साहब जा रहे हैं, सबसे बढ़कर ये कि बाबर की कप्तानी भी जा रही है, बाबर आजम भी जा रहे हैं, एटलीस्ट उनकी एक फॉर्मेट की कप्तानी जा रही है, क्योंकि जो शकील शेख होते हैं नजम सेठी के साथ, वो भी बार बार कह चुके हैं कि बाबर बेहतरीन बल्लेबाज है, क्योंकि इस्लामाबाद रीजन के वो भी थे, बाबर आजम के साथ ही जो है वो आप कह रहे हैं लाहौर के बाबर आजम थे, लेकिन इस्लामाबाद में खेलते थे, तो उन्होंने शुरू में बाबर को सपोर्ट किया था, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी से वो भी नाखुश हैं। साफ पता चल रहा है कि बाबर आजम को सीधे सीधे से कप्तानी से बाबर पर लेकर जाएंगे, हो सकता है एक कप्तानी जाए, हो सकता है कि दो कप्तानी चले जाए, और हो सकता है कि तीनों ही कप्तानी चली जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस मुझे लग रहा है कि स्प्लिट कप्तानी होगी, कोई दो फॉर्मेट की या एक फॉर्मेट की कप्तानी जाएगी। T20 और उन्होंने चाहते हैं कि रमेश राजा पहले बोलते थे, एक बार उन्होंने बयान दिया जी कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी फैंस को खुश करने के लिए बात की थी, फिर उन्होंने कुछ और बात कह दी, फिर उन्होंने कभी कुछ बात कह दी, फिर उन्होंने कहा जी हमने इतनी $1 बिलियन की आवाम को हरा दिया, फिर कुछ उन्होंने कहा, इवन बांग्लादेश ने भी हराया इंडिया को, श्रीलंका ने भी हराया, वो भी ये कह रहे जी हमने इतने हरा दिया, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपनी खाली क्रिकेट की जो गलतियां थी वो छुपाने के लिए टोटल इंडिया को पॉइंट आउट करते हैं। आप जरा मुझे ये बताइए, जो फैंस जानना चाहते, क्यों सोचना मना यार,
किसी के बाप की टीम है, इनके घर की पाकिस्तान की टीम है, किसी के बाप की टीम है, की सोचना बने घर से हम क्यों ना सोचे भाई। ये क्या कल्चर चल रहा है यहाँ पे, क्या सियासत चल रही है? कप्तानी अपने घर से लेकर आए थे, नहीं सरफराज अहमद जब कप्तानी से हटे थे तो ये खिलाड़ी नाच कर रहे थे, नाच रहे थे ये ड्रेसिंग रूम के अंदर, आप ये बोल रहे हैं सोचना भी बना है। अच्छा किसी के, आपने ये बोला की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उन्होंने हर जगह बीट कर दिया, जिसमें बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, एक चीज आप मिस कर गए वो है कप्तानी। हमारे कप्तान को कप्तानी नहीं करने आती है, माजरत के साथ, टीम तो वही सेलेक्ट करते हैं ना और वही बनाते हैं। और दूसरी चीज है कि इस टेस्ट मैच में हमने नोट किया कि उन्होंने जो है सलमान आगा को तो एज अ बैट्समैन रखा हुआ था, हर जगह कहा जाता है कि वो ऑलराउंडर है। आप उनके कप्तान को देखें, वो जो रूट से जाके गेंद कराता है और उसको खुदा भला करे दूसरे बॉलर्स को रेस्ट देखे, जो रूट से भी को भी इस्तेमाल करता है, हमारे वाला तो भूल जाता है। या तो जैसे कि वनडे T20 में हम देखते थे, या तो इफ्तिखार को तीन तीन मैच में बॉलिंग नहीं कराई, अगर करानी हो तो अचानक उसको चार ओवर करा दिया इंपॉर्टेंट जगह पे। ये चीज इनके बहुत बड़ा एक इशू है कप्तानी का, मैं समझता हूँ। अब तो हमसे सीरियसली हमें देखना पड़ेगा कि क्या बाबर कप्तानी के काबिल भी हैं या नहीं है, वी हैव टू फाइंड समवन एल्स। आप वो भी एक इशू हो गया हमारे लिए एक रिजवान भी इशू बन गए हैं, तो हमारे लिए काफी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। और जो आप बॉलिंग क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है, मैं हमेशा ये जो बातें लोग करते हैं ना कि ये जैसे कि रमीश राजा साहब कहते हैं, मतलब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि ये मैंने उनको हर एक को अपनी अपनी असाइनमेंट दे दी है ड्यूटी। तो भाई किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जब आप उसको किसी को जॉब असाइनमेंट देते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि आपने ये करना है, और उसके बाद पूछा जाता है चार महीने बाद, दो महीने के बाद आपको एनालाइज किया जाता है कि आपने क्या किया। तो ये तो आपका काम है ना, आप तो क्रिकेटर हैं, आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक किसी ने। मैं हैरान हूं कि हमारे कमेंटेटर बैठे कमेंट्री कर रहे हैं, नासिर हुसैन बार बार पूछ रहा है वकार यूनुस से कि जी ये बताइए कि आपके पास प्लेयर कहां गए, आप बताइए कि आपके पास क्या। उसने एक दफा नहीं बोला कि जी हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खत्म कर दिया गया, हमारी छह टीमें खेलती हैं, 25 करोड़ की आबादी है आपकी, 18 टीमें खेलती हैं इंग्लैंड की, 6 करोड़ की आबादी है, किसी ने ये बात हिम्मत नहीं है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस प्रकार पाक मीडिया रमीश राजा की पीसीबी से विदाई पर दुआ मांग रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।